सुबह उठने के बाद घर की सफाई ना करती हो, दिन में पलंग पर सोती हो, रात्रि भर बर्तन झूठे जिसके घर में पड़े रहते हो, उस घर में तुम अपनी धर्म पत्नी को दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। जहां नारी दिन में सोती हो, जहां रात भर के बर्तन झूठे रखे रहते हो, उसके घर में तुम प्रवेश कर जाओ। महाराज और स्थान तो कहा, जहां इमली का पेड़ हो, पीपल का वृक्ष हो, बड़ का पेड़ हो, कांटेदार पौधे जिसके घर में लगे हो, उस घर में तुम प्रवेश कर जाओ, वहां पहुंच जाओ। महाराज अब दुस्साहा मुनि और दुर्वासा जी की तो बात चल रही है, इतने में भगवान नारायण और लक्ष्मी का विवाह हो गया था, तो नारायण लक्ष्मी जी नारायण से बोली, अपने विवाह को आज 15 दिन हो गए, मेरी बहन के विवाह को 20 दिन हो गए, अपन मिलने नहीं गए, एक बार चलो ना मिलने। भगवान बोले चल चलते, और भगवान नारायण सीधे उस ज्येष्ठता से मिलने के लिए, दरिद्रता से मिलने के लिए चल। अब दरिद्रता से मिलने के लिए जैसे ही पहुंचे तो दरिद्रता कहां बैठी हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता बैठी है, और वहीं पर पहुंच गए। अब आप किसी से मिलने जाओगे तो क्या लेकर जाओगे, अरे बोलो तो क्या ले जाओगे, डंडा की मिठाई, डंडे लेकर जाओगे कि मिठाई लेकर जाओगे, अरे बोलो तो मिठाई लेकर जाओगे ना, कुछ भी मिष्ठान मुंह मीठा कराने के लिए, जिसकी विवाह हुआ है, अभी विवाह हुआ है, तो उसके यहाँ मिठाई का डब्बा लेकर चले, और मिठाई का डब्बा ले जाकर जैसे ही भगवान नारायण लक्ष्मी को दिया, लक्ष्मी ने तुरंत ज्येष्ठा देवी को दिया, ज्येष्ठा को दिया तो देते ही दरिद्रता ने मिठाई का डब्बा फेंक दिया, और फेंकते से ही बोली, लक्ष्मी तू मेरी छोटी बहन है, तुझे इतना नहीं मालूम कि तेरी बड़ी बहन खाती क्या, और मेरे लिए तू मिठाई लेकर आई, तू पागल हो गई है, मूर्ख हो गई है, जो तू मेरे लिए मिष्ठान लेकर आई है, तुझे मालूम नहीं कि मुझे खट्टा और तीखा पसंद है। लक्ष्मी जी की आंख में आंसू भर गए। लक्ष्मी जी बोली, जीजी मैं तो समझी कि तुम्हारा विवाह हो गया है, हो सकता है तुम कुछ चेंज करी हो अपने स्वाद को, क्योंकि विवाह होने के बाद थोड़ा सा व्यक्ति बदल जाता है, मुझे लगता है आपने कुछ चेंज करा होगा, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई। लक्ष्मी तुझे मालूम नहीं मैं क्या खाती हूं, मुझे नहीं चाहिए, मिठाई का डब्बा फेंक दिया। आज भी कई दरवाजों पर, कई दुकानों पर आपने नींबू मिर्ची टंगा हुआ देखा होगा। कई लोग कहते हैं नजर से बचाता है, नजर से नहीं, लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहनें हर एक व्यक्ति के घर में प्रतिदिन प्रवेश करती है, पर लक्ष्मी के लिए मिठाई फ्रिज में रखी होती है, इसलिए लक्ष्मी सीधे अंदर चली जाती है, और दरिद्रता के लिए नींबू मिर्ची दरवाजे पर टंगा रहता है, इसलिए वो दरवाजे से खाकर वापिस चली जाती है, दरवाजे से खाकर पूर्ण वहीं से लौट जाती है। कई लोग कहते हैं नजर के लिए, नजर के लिए नहीं, दरिद्रता हमारे यहाँ प्रवेश ना करे, ज्येष्ठता हमारे यहाँ प्रवेश ना करे, इसलिए नींबू और मिर्ची को दरवाजे पर बांधा जाता है, पर कई लोगों को नहीं मालूम, तो वो कहते नजर से बचाता, नजर से नहीं, दरिद्रता का प्रवेश ना हो। अगर दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश कर रही है तो वो दरवाजे से ही भोजन कर निकल जावे, हमारे घर के अंदर प्रवेश ना करे। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, आज भी घर के अंदर नींबू और मिर्ची को एक ही डलिया में नहीं रखा जाता। अगर नींबू और मिर्ची एक ही डलिया में रखे रहते हैं तो उस घर में दरिद्रता का निवास होता है, दरिद्रता का प्रवेश। महाराज हमारे यहां तीन चीजें बेटी की विदाई में नहीं दी जाती, आप लोगों को मालूम है, एक झाड़ू, अरे बोलो तो सही है कि गलत है, एक झाड़ू बेटी की विदाई में नहीं देते, एक चलनी छानने की बेटी की विदाई में नहीं देते, और एक अचार की बरनी बेटी की विदाई में नहीं देते, ये तीन चीजें नहीं देते, चलनी भी नहीं देते, झाड़ू भी नहीं देते, कहीं कहीं जगह पर सुई भी नहीं देते, सुई का भी प्रमाण मिलता है, सुई भी नहीं दी जाती,
और एक अचार की बरनी, अचार की बरनी भी बेटी की विदाई में नहीं देते। क्यों? क्योंकि अचार की बरनी में जैसे झाड़ू में हमारे यहाँ बेटी को अगर दिया जाता है तो उसके घर की पूरी लक्ष्मी छिन्न हो जाती है, चलने देने पर उसके घर की लक्ष्मी समाप्त हो जाती है, सुई देने पर उसके घर की लक्ष्मी समाप्त हो जाती है, उसी तरह अचार की बरनी देने पर बेटी के घर में उसका घर पूरा तहस नहस हो जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। और आजकल माताओं का इतना प्रेम होता है ना बेटी से, अब करें तो करें क्या। और बेटी जिस घर में भी आती है ना वहां के उसके बेटी के ससुर भी कहते थे, बेटा तेरी मम्मी के हाथ का अचार बन वाला। अब इनको कौन समझाए, भेज दिया, इनको समझाए कौन कि वह अचार में दरिद्रता का निवास है। अब के कौन इनको कि खट्टा और तीखा घर में प्रवेश करेगा अगर बहू की यहाँ का, तो उस घर में सुख नहीं रह सकता। चार लोग भी होंगे तो चारों का मुंह बिल्कुल नींबू की तरह खट्टा और वाणी मिर्ची की तरह तीखी रहेगी, चाहे कितना ही प्रयास करे। अगर अचार खाया है बहू के घर का तो, इसलिए बेटी की विदाई में चार चीजें नहीं ली। प्रमाण, पहले क्या देते थे बेटी की विदाई में? बड़ी, पापड़, खाजा, सफेद पूड़ी मैदा की दलिया में रख के बेटी की विदाई में देते थे। क्यों? क्योंकि जो स्थिरता का भाव रखे, भले उसमें नमक ना रहे परंतु मौनता, प्रेम, स्नेह, नम्रता उसके अंदर होना चाहिए, वो बेटी की विदाई में दिया जाता। और बांस की डलिया में रख कर देते थे जिससे वंश बढ़े, कपड़ा बांध कर देते थे जिससे भक्ति का चीर सदा बना रहे। एक एक चीज का प्रमाण था बेटी की विदाई में देना। अब आज के जमाने में लोग तो जाने नहीं, बस जो आ जाए आन दो आन दो आन दो आन दो, और आ तो गया फिर पचान दो, फिर अब पचाओ, बहुत कठिन है। खाना सरल है पर पचाना कठिन है, बहुत कठिन, सरलता नहीं है। बोलो राधे, बहुत कठिन था। तो ये दरिद्रता देवी को ज्येष्ठा को, और लक्ष्मी जी ने मिठाई दी, उसने फेंक दिया। मुझे खट्टा और तीखा पसंद है, मुझे नहीं चाहिए, मैं ये नहीं खाता, आप ले जाओ इसको, मुझे खट्टा और तीखा लाकर दीजिए। मुझे खट्टा और तीखा चाहिए, समझाया। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, तेरी बहन को समझाना बहुत कठिन है, तू चल। लक्ष्मी जी जाने लगी, इतने में लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से विनती करी, नारायण ये मेरी बहन दरिद्रता बैठी है पीपल के पेड़ के नीचे, और पीपल के वृक्ष के नीचे मेरी बहन बैठी हुई है, इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो ना जाने कितने कितने लोग पूजन करने के लिए आएंगे, ना जाने कितने कितने लोग पूजन करने के लिए पहुंचेंगे, और ये दरिद्रता यहाँ बैठी रहेगी तो दुनिया के लोगों के साथ में तो ये दरिद्रता पीछे पीछे उनके घर चली जाएगी, फिर दुनिया के लोग पीपल के वृक्ष की पूजन नहीं कर पाएंगे। और पद्म पुराण के अंदर लिखा है कि पीपल के वृक्ष के नीचे 52,000 ब्राह्मणों का वासा होता है, फिर पीपल के वृक्ष का प्रमाण क्या? भगवान नारायण बोले, सुनो लक्ष्मी, ये पीपल के वृक्ष के नीचे तुम्हारी बहन दरिद्रता निवास कर रही है, पर जिसकी हाथ में या तो माला हो, जल का पात्र होगा, या कुंकू का चोपड़ा होगा, या दिया बाती होगा, जो अपने हाथ में कुछ ना कुछ लेकर आएगी पीपल के वृक्ष की पूजन के लिए और वापिस वो पात्र लेकर जाएगी, उसके पीछे कभी दरिद्रता उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। और जो खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे प्रवेश करता है, उसके साथ में दरिद्रता उसके साथ पीछे पीछे प्रवेश कर जाती है। और सुनो लक्ष्मी, आज शनिवार का दिन है, जिस दिन मैं
इस दरिद्रता से मिलने के लिए लक्ष्मी तेरे साथ में इस पीपल के वृक्ष के नीचे आया हूँ, ज्येष्ठा से मिलने के लिए, तेरी बहन दरिद्रता से मिलने के लिए। शनिवार के दिन अगर कोई भूल से भी इस पीपल के वृक्ष के नीचे आकर नमन करेगा, प्रणाम करेगा, पूजन करेगा, पाठ करेगा, उसको सर्व सुख की अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए शनिवार का प्रमाण कहा गया। शनिवार की प्रधानता और महाराज एक रविवार का दिन ऐसा होता है जिस दिन दरिद्रता ने मांगा है अपने सुख के लिए। दरिद्रता देवी कह रही है महाराज अगर 7 दिन आपके हैं तो 1 दिन मुझे दिया जाए मेरे सुख के लिए। दरिद्रता देवी तो रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे ज्येष्ठा तेरी प्रखरता के साथ में तू दुसाह मुनि के साथ इसमें निवास करेगी। केवल हिंदू धर्म में एक ही दिन है जिस दिन पीपल के वृक्ष को उखाड़ा जा सकता है और वो रविवार का दिन होता है। कौन से दिन? रविवार। शनिवार, मंगल, सोमवार, बुधवार कभी भी आप पीपल के पेड़ को अगर दीवार पे से उखाड़ोगे तो वो पीपल वापस लग जाएगा, पर रविवार के दिन अगर चावल पटक कर पीपल के पेड़ के उखाड़ दोगे तो वहां पर दूसरा पीपल कभी नहीं लग सकता, दूसरी बार लगेगा ही नहीं, चाहे वो दीवार पर क्यों ना। कई लोग दीवार पे से पीपल जब हेड़ते हैं तो वहां पर केवल चावल पटक दो और रविवार के दिन उसको निकाल दो। एक दिन रविवार का दिन ऐसा होता है जिस दिन दरिद्रता अपने पूर्ण प्रभाव में रहती है, संडे के दिन, रविवार के दिन। रविवार इसलिए हमारे यहां रविवार की महत्वता का भी प्रमाण हमारे यहां शास्त्र कहता है। शनिवार को पीपल के पत्ते लाए जाते हैं और जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता है उसको रविवार के दिन पीपल के पत्ते की पत्तल बनाकर उसको भोजन कराकर पत्तल को चौराहे पर पटक दिया जाता है तो वह व्यक्ति बीमारी से छूट जाता है, उसको फिर बीमारी नहीं रहती, रोग मुक्त। जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है इसलिए शनिवार को पत्ते लाकर रविवार को भोजन कराते पीपल के पत्ते। पद्म पुराण में उसका व्याख्यान दिया। पीपल के पत्ते का प्रमाणिकता, पीपल के वृक्ष दरिद्रता का निवास हुआ है वहां तो पूर्णता का भाव कहां प्रकट करा तो भागवत कहती है मनुष्य की पूर्णता कहां है तो मनुष्य की पूर्णता है भगवान के भजन में, भगवान की कथा में, भगवत तात्विक सुख के अंतर्गत भगवान की पूर्णता मानी। पूर्णता बड़ी मुश्किल से मनुष्य देह मिलता है और उस मानव देह को पाकर भगवत भजन करना बहुत कठिन। नहाने और स्नान में अंतर है। बाथरूम में गए, साबुन लगाया, पानी डाला, इसको कहते हैं नहाना। और स्नान का मतलब क्या है? स्नान का मतलब है हमारे कर्म कांडों में, हमारे शास्त्रों में पंडित कहते हैं स्नान कर कराइए। स्नान का मतलब ये नहीं कि पानी डाला, तालाब में कूद गए, स्नान कर लिया, स्नान वो नहीं है। स्नान का मतलब है मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। कितने? 3.5 करोड़ रोम छिद्र। और एक दिन में जब मनुष्य के मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकल जाता है तब जाकर मनुष्य का स्नान हो पाता है। जो बाथरूम में जाकर पानी कूड़ा वो तो नहाना होगा। स्नान करने से अहंकार घटता है और नहाने से अहंकार बढ़ता है। तुम जितनी बार मुंडा धोगी फेस वॉश से उतनी बार दर्पण में मुंह देखोगी कितनी जोरदार लग रही, फिर मुंह धोगी फिर अहंकार बढ़ेगा, फिर मुंह धोगी फिर अहंकार बढ़ेगा। तो नहाने से अहंकार बढ़ता है और स्नान से अहंकार घटता है, भजन करने से अहंकार घटेगा, अभिमान छिन्नित हो जाएगा। स्नान करा, अभिमान धीरे धीरे घटता चले जाएगा। क्यों? क्योंकि स्नान करना मतलब सत्संग में जाना, सत्संग में जाना मतलब वहां पर हमारा कोई मान नहीं, हमारा कोई सम्मान नहीं, सत्संग में सब बराबर, सब एक बराबर। भजन महाराज, कई लोगों को बड़ी ईर्ष्या रहती थी। एक बार सतभामा जी को भी बड़ा गुस्सा आया। सतभामा ने एक बार कन्हैया जी को देखकर और रुक्मणी जी से पूछा ये कन्हैया को हो क्या गया? जब देखो जब भाग भाग के द्रौपदी के घर चले जाता है, ये द्रौपदी से रिश्तेदारी क्या है इसकी कृष्ण की? रुक्मणी जी ने कहा द्रौपदी उनकी मुंह बोली बहन।
तो ये सिकाई की बहन जा जासी देर में भगवान को बुला लेती और भगवान भी पूरा द्वार का छोड़ के उसके घर भग जाता। एक आध दिन मुझे ये द्रौपदी को सही करना पड़ेगा, सद्भामा जी बोली रुक्मिणी से। और भगवान ने कानों से सुन लिया। सुनते ही भगवान तुरंत आए और आकर बोले मैं जा रहा हूं। इतने में तुरंत रुक्मिणी ने पूछा कहां जा रहे हो प्रभु? भगवान बोले मैं अपनी बहन द्रौपदी के घर जा रहा हूं। सद्भामा जी बोली अच्छा। इतने में भगवान बोले तुम चल रही हो क्या? सद्भामा जी ने रुक्मिणी को कोनी मार के कहा आज मौका मिला चल, आज ननन के तो ऐसा ठीक करेंगे जिंदगी भर नहीं बुलाएंगे। और सतमामा जी तुरंत कहती हैं हाँ प्रभु हम चल रहे। रुक्मणी जी बोली हम भी चल रहे। दोनों चल दी पहुंची। द्रौपदी केश मार रही थी, बाल ऊंच रही थी, कंघे से बाल सवार रही थी। भगवान ने पूछा द्रौपदी जी जी क्या कर रही हो? द्रौपदी बोली भैया बाल सवार रही हूं। इतने में भगवान बोले तू काय को बाल सवार रही? तेरी दो दो भाभी आई ये सवार। सतमामा ने मन में सोचा अपनी तो पूरी लाइन क्लियर होती चली, अच्छा ऐसा बाल संवारूंगी, एक खोपड़िया में बाल नहीं रेंदू इसके, रुक तो जा ननंद के। सतमामा से भगवान ने कहा सतमामा तुम तेल लगाओ, रुक्मणी तुम चोटी करना द्रौपदी की। हाँ सतमामा जी जो तेल लगाने बैठी, तेल लगाते लगाते सतमामा जी ने एक बाल तोड़ दिया। जो तोड़ा द्रौपदी कुछ नहीं बोली, पर उस बाल को तोड़ते ही उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। सतभामा जी ने फिर दूसरा बाल तोड़ा, फिर उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। सतभामा जी ने फिर बाल तोड़ा, उसमें से फिर आवाज आई हे कृष्ण। जैसे ही बाल तोड़ने पर आवाज आ रही है, बार बार आवाज आ रही है, तो बार बार आवाज आए तो सतभामा ने रुक्मणी से पूछा जीजी ये द्रौपदी के बाल तोड़ने से कृष्ण की आवाज क्यों आ रही है? तब भगवान कृष्ण ने आकर कहा सतभामा तुम पूछ रही थी कि मैं भाग भाग कर द्रौपदी के घर क्यों जाता हूँ। सतभामा पूरी पृथ्वी पर मात्र एक द्रौपदी ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम जाप करती है, इसलिए मैं दौड़ दौड़ कर इसके पास जाता हूँ, इसके हर एक रोम रोम में मैं समाया हूँ, मैं समाया। फिर भी सहन नहीं हुआ, फिर भी सतमामा से सहन नहीं हुआ। और सतमामा जी ने चोटी करते करते पूछ ही लिया द्रौपदी से ए द्रौपदी जी जी एक बात बताओगी? द्रौपदी बोली बोलो क्या पूछना है? हमारा एक पति और हम 16,108 रानी तो भी हमारे कहने पे नहीं चलता, और तू अकेली और तेरे 5 पति तेरे कहने पे चलते हैं। कहां की बूटी खिला दी तूने अपने पतियों को? ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खिलाई है? ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो तेरे 5 पति तेरे कहने पे चल रहे हैं और हमारा एक पति हमारे कहने पे नहीं चले? अब ये बात अगर किसी स्त्री से कहो कि तेरे पति तेरे कहने पे चल रहे हैं तो बुरा तो लगेगा ना, और हमारा पति नहीं चल रहा। बहुत गुस्सा आया द्रौपदी को, पर बोली कितना सुंदर। द्रौपदी बोलती है भाभी मेरा कृष्ण भी आपके कहने पर चलता जैसे आज मेरे 5 पति मेरे कहने पर चल रहे हैं। मेरे 5 पति मेरे कहने पर केवल एक शर्त पर चल रहे हैं, याद करो जीजी। भाभी जब मेरा विवाह हुआ था ना, मैं अर्जुन के साथ में ब्याही थी। अर्जुन मुझे लेकर आए और मेरी सास रोटी बना रही थी। सास रोटी बनाते बनाते अर्जुन ने कह दिया माँ हम देखो क्या लाए हैं, और जैसे ही सास ने पलट कर नहीं देखा और कह दिया 5 बांट लो, और मैं 5 पतियों की पत्नी बन गई अपना सास का कहना मान। मैंने अपने सास का वाक्य का आदर करा और मैं 5 पतियों की पत्नी बनी। पर भाभी मैंने अपनी सास का सम्मान करा, वन में भी रही तो साथ निभाया, जंगल में भी रही तो साथ निभाया, और आपने कौन सा साथ निभाया? भाभी तुम 16,108 रानियां थी और तुम्हारे सास ससुर देवकी और वसुदेव द्वारका में मिलने के लिए आए थे। 16,108 रानियां तुम अपने अपने कमरे में जाकर सो गई और सास ससुर को हॉल में पटक दिया। अगर एक बहू भी अपना कमरा छोड़कर कह देती मम्मी 2 दिन के लिए आई हो इसमें ठहर जाओ, पापा इसमें ठहर जाओ, तो सास ससुर का अगर तुम आदर करती, अगर तुम तुम्हारे पति के माता पिता का आदर करती तो यह पक्का था कि तुम्हारा पति भी तुम्हारे कहने पर चलता। पर तुमने अपने पति के माता पिता का आदर नहीं करा, इसलिए तुम्हारे पति भी तुम्हारे कहने पर नहीं चलते।
तुम आदर तो कर दी। भाभी आज भी वो देवकी वसुदेव हाल में ही बैठे हैं और सब रानियां अपने अपने कमरे में बैठी है। द्वारका गए हो आप लोग? द्वारका गए हो तो द्वारका में जाकर देखना, देवकी और वसुदेव का मंदिर द्वारकाधीश के ठीक सामने। सब रानियां अपने अपने भवन में और वो हॉल में बैठ। सम्मान करोगी तो सम्मान मिलेगा, आदर करोगी तो आदर मिलेगा। आप अगर माता पिता का आदर तो करो, वचन तो निभाओ। जब लड़का और लड़की की शादी होती है ना तो मैं 7-5 वचन बोलते हैं, इधर बोलते कि नहीं बोलते मालूम नहीं, जोधपुर में बोलते हैं 7-5 ही बोलते कि 14-15 बोलते हैं। अच्छा 7-5 लड़की के 7 और लड़के के 5 वचन। लड़की अपना वचन निभाती है तो वचन में एक वचन दिलवाती है कि तुम मेरे माता पिता का आदर करना, लड़के से दिलवाती है। लड़का कहता है हाँ करूंगा, पर लड़के के 5 वचन में यह वचन नहीं रहता कि तू मेरे माँ बाप का सम्मान करो। क्यों नहीं रहता? लड़की के 7 वचन में लड़की अपने लड़के से वचन दिलवाती है। पंडित बोलता है कि लड़की का एक वचन है कि तुम हमारे माँ बाप का सम्मान करना। लड़के से हुंकारा भरवाया जाता है, लड़के से पूछा जाता है कि तुम लड़की के माँ बाप का सम्मान करोगे? हाँ। पर लड़के के 5 वचन में यह वचन नहीं रहता कि तुम मेरे माँ बाप का सम्मान करना। किसी ने पूछा गुरुदेव ये बताओ लड़की के 7 वचन में एक वचन है कि तुम उसके माँ बाप का सम्मान करो, तो लड़के ने वचन क्यों नहीं दिलवाया लड़की से कि तुम हमारे माँ बाप का सम्मान करना? तो भागवत कहती है इसलिए वचन नहीं दिलवाया क्योंकि लड़का ज्ञानी है, उसको मालूम है जब ये अपने माँ बाप का सम्मान मुझसे करवा रही है तो ये पक्का है कि मेरे माँ बाप का सम्मान भी ये कर लेगी, तो मुझे वचन दिलवाने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों वचन दिलवाऊं जब ये अपने माँ बाप का सम्मान कर रही है, अपने माता पिता के लिए एक पराए लड़के से हुंकारा भरवा रही है कि तुम मेरे माँ बाप का सम्मान करना। जब इसके मन में अपने माता पिता के प्रति इतना आदर है तो मेरे माँ बाप के प्रति इसके मन में कितना आदर होगा, इसलिए मुझे वचन दिलवाने की जरूरत नहीं। ये लड़की घर की संस्कारित है और मेरे माता पिता का आदर करेगी, ये मुझे लगता है, मैं मानता हूं। इसलिए लड़का वचन नहीं दिलवाता कि तुम मेरे माँ बाप का सम्मान करो, उसने एक ने दिलवा लिया वही बहुत। अच्छा